भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एग्रो फ्यूचर अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों इस एप्लीकेशन को लेकर काफी लोगों के मेरे पास कमेंट एंड मैसेज आ रहे थे। भाई जो एग्रो फ्यूचर जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन क्या सच में 4 से 5 महीने चलेगी? क्या हमें एग्रो एप्लीकेशन में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एप्लीकेशन अगर काम करें तो ये एप्लीकेशन की हमें डेट कन्फर्म नहीं पता, तो इसकी डेट कब है, मतलब कब ये एप्लीकेशन लॉन्च हुई और एप्लीकेशन कितने दिन तक चल सकती है, ठीक है? तो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखेंगे तो आपका यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट भी होने वाला है, ठीक है? तो अब एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन में हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले दोस्तों इसकी कुछ डिटेल मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्रो फ्यूचर न्यू अर्निंग ऐप, यह ऐप कब लॉन्च हुआ था और यह ऐप कब तक चलेगा, देखो इन्वेस्ट करें या नहीं, तो सारी जानकारी बताऊं। जैसे हम मैंने इसकी कुछ डिटेल निकाली है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एग्रो फ्यूचर resco.com, ठीक है? अब इस एप्लीकेशन का डोमेन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया आपके सामने, लाइव प्रूफ आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन इसका जो पंजीकृत जो हुआ था वो हुआ था 2 तारीख 9 महीने में, और आज तारीख कितना है, 30 तारीख है, और इस एप्लीकेशन को टाइम हो गया 28 दिन, ठीक है? अब इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी 28 दिन हो चुके हैं, तो इस एप्लीकेशन में हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारी बातें मैं आपको आगे बताऊंगा और कौन सा प्लान हमें लेना है, ठीक है? और यहाँ पर इसकी एक्सपायरी डेट जो है, हर एप्लीकेशन की तरह इसकी भी 1 साल वैलिडिटी दी गई है, और इस एप्लीकेशन का जो पंजीकृत डेट है यहाँ पर आप देख सकते हो 2 तारीख 9 महीना, ठीक है? तो अब मैं आपको इस एप्लीकेशन पर आपको डायरेक्टली लिए चलता हूँ। जैसे आप इस एप्लीकेशन पर आप डायरेक्टली आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर आपको देखो एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, कस्टमर से बात कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने इनवाइट मतलब किसी फ्रेंड को आप रेफर भी कर सकते हो, ठीक है? अब कुछ प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट के बारे में तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोडक्ट वाला, ठीक है? जैसे ही आप प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स इस तरीके से आपको यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं। मैंने फिर से यहाँ पर प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपके सामने कुछ प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, इसके प्रोडक्ट कैसे हैं और कितना इनकम हमें देने वाले हैं और कौन सा प्लान हमें लेना चाहिए और कौन सा हमें प्लान नहीं लेना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो आपको बी वाला जो प्रोडक्ट है, ए वाला, मतलब 537 रुपये में है। इसमें आपको डेली की इनकम आपको 2250 रुपये की इनकम होगी, ठीक है? 43 दिन के लिए टोटल आपका जो प्रॉफिट होगा वो 967 रुपये का होगा। उसके बाद सेकंड प्लान है 3000 रुपये का, जिसमें आपको 129 रुपये आपको यहाँ से डेली मिलेंगे 44 दिन तक, और इसमें टोटल इनकम आपकी जो होगी वो होगी 5676 रुपये की, ठीक है? तीसरे प्रोडक्ट में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर 8500 रुपये इन्वेस्ट करने पर आपको 374 रुपये आपको यहाँ से डेली मिलेंगे, जिसमें आपकी टोटल इनकम जो होगी आपकी 16830 रुपये की होगी और इसकी वैलिडिटी जो है 45 दिन की है, ठीक है? उसके बाद आप 16800 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 740 रुपये की यहाँ से पर डे की इनकम होगी, 46 दिन तक आपको इनकम होगी और टोटल जो प्रॉफिट आपका होगा वो 35420 रुपये का होगा, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ 4 प्रोडक्ट दिए हैं। अब दोस्तों हम बात करें इस एप्लीकेशन में हमें कौन सा प्लान लेना चाहिए, ठीक है? सबसे पहले दोस्तों आपको अगर इस एप्लीकेशन में काम करना है, देखो मेरे भाई इस एप्लीकेशन की जो मुझे लगता है ये अपने कितने दिन चल सकते हैं, मुझे लगता है ये एप्लीकेशन अभी 1 से 2 महीने और ये एप्लीकेशन चल सकती है, ठीक है? तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट लेना चाहिए तो कम से कम आप अगर लेना चाहें तो आप मिनिमम के साथ लीजिएगा 537 या उससे 3000 तक का, इससे बड़ा प्लान आपको कोई भी नहीं लेना है। इन दोनों में से आप कोई भी प्लान आप ले सकते हैं क्योंकि मिनिमम प्लान है, और मैं आपके सामने इसमें एक प्लान भी बाय करूंगा। सबसे पहले हम रिचार्ज की बात कर लेते हैं, रिचार्ज कैसे करना है, उसके बाद विड्रॉल कैसे करना है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो को आपको लाइव दिखाऊंगा। तो हम रिचार्ज वाले ऑप्शन पे करते हैं क्लिक, ठीक है? हमें 537 का प्रोडक्ट लेना है, हमने यहाँ पे 537 रुपये अमाउंट डाल दिया है, नीचे रिचार्ज वाले ऑप्शन पे आपको करना है क्लिक। जैसे प्लीज सेव द रिचार्ज इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, ठीक है? उस पर क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करोगे तो अपना नाम और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना, तो ये सारी चीज यहाँ पे जो है डाल दे। अपनी सारी डिटेल सेव करने के बाद आपको उसके बाद बैक कर लेना है, बैक करने के बाद फिर से आपको रिचार्ज वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक, ठीक है? जैसे आप रिचार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रिचार्ज करना है कैसे, आप इसका चाहे तो स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं या आप अपने स्क्रीन शॉट लेके अपने फोन से कर सकते हो, या आप यहाँ से एक UPI होगी आप इसको कॉपी करके पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि काफी लोग गलती कर देते हैं जब रिचार्ज करते हैं, जब आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाए तो आपको एक 12 डिजिट का एक UTR नंबर मिलेगा, 12 डिजिट का, वो आपको रेफरल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है? तो मैं सबसे पहले दोस्तों एक इसका QR कोड का एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ठीक है?
उसके बाद मैं इस पे पेमेंट जो कर देता हूँ अपने ही फोन, चाहे तो आप इसे क्लिक टू पे पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पेटीएम से या फोन पे से या किसी से भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर पेटीएम को सिलेक्ट कर लेते हैं। पेटीएम को आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको पेटीएम वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने पे करने के लिए मतलब कि अमाउंट आपको पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे अपना जो मैं पेमेंट जो यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना पिन वगैरह डालकर अपना यहाँ पर जो है पेमेंट आपको जो है कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो देखो भाई, यहाँ पर रिचार्ज हो नहीं पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा कोई इश्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इस ऑप्शन में काम करना है तो मेरे भाई आप मिनिमम के साथ काम कर सकते हैं। 537 रुपये से आप 3,000 रुपये से स्टार्टिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी भाई इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहे वो एट ऑन रिस्क पर ही कीजिएगा। जो भी करना चाहे अपने ही रिस्क पर करना, ठीक है। क्योंकि एप्लीकेशन न्यू है और ऑलरेडी इसको 28 दिन हो चुके हैं। और पहली चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी वेबसाइट जो होती है मार्केट में चलती है वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं होती, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं होती है, और पहली चीज दोस्तों कोई इसकी कोई मतलब की वैलिडिटी जो होती है वो 1 साल की वैलिडिटी होती है, लेकिन 1 साल तक एप्लीकेशन कोई भी नहीं चलती है। लेकिन जो लोग शुरुआत में काम कर लेते हैं 1 महीने के अंडर अंडर में अगर काम कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, वो काफी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं। अगर आपको इसमें काम करना हो, और ये वीडियो मैं जो शूट कर रहा हूँ वो 30 सितंबर का वीडियो ये शूट कर रहा हूँ, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है 7 से 8 दिन के अंडर में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं इसके अंदर, तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है। देखो प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी होता है, दोनों ही चांस होते हैं अप्रीन में। इन मतलब अप्रीन का गारंटी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि अप्रीन जो है कन्फर्म होते दिन चलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखो जो भी इन्वेस्ट करेगा वो एट ऑन अपने रिस्क पर करेगा, जो भी प्रॉफिट होगा आपका होगा, आपका पैसा आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो जो भी करना चाहे अपने ही हिसाब से आप कर सकते हैं, जो भी आपको प्लान अच्छा लगे। तो एप्लीकेशन जो है न्यू है, अगर आप काम करना चाहे, क्योंकि इस टाइप की एप्लीकेशन 5 5 6 6 महीने तक चल रही है, तो ये भी एप्लीकेशन मुझे लग रहा है कि 3 से 4 महीने एप्लीकेशन चल सकती है, ठीक है दोस्तों। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सबको आगे भी इस तरह से अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलती रही, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ओके थे।